Hi friends, our next topic of whistleblowing chapter is components of whistleblower policy. Whistleblower policy के main components नीचे दिए गए हैं. First point, a whistleblower. जैसे कि हमने पहले पढ़ा, whistleblower वो person होता है जिसे किसी organization में होने वाली illegal activities की knowledge होती है और वो उन्हें रिपोर्ट करता है. नॉर्मली विसल ब्लोअर वो पर्सन होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले मिसकंडक्ट को रिपोर्ट करता है. वो पर्सन करंट या पास्ट एम्प्लॉई हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली इल्लीगल एक्टिविटीज़ से एम्प्लॉयज़ को रेपुटेशन लॉस हो सकता है, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए विसल ब्लो की जाती है. सेकंड पॉइंट, एन अनएथिकल और रॉन्गफुल एक्टिविटी. विसल ब्लो करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में रॉन्गफुल, अनएथिकल या इल्लीगल एक्टिविटी का होना ज़रूरी है. सीरियस रॉन्गडूइंग में इन्वॉल्व हो सकता है पब्लिक मनी या रिसोर्सेज का अनलॉफुल, करप्ट या इलीगल यूज़ होना, जिस एक्ट से पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट या लॉ की मेंटेनेंस को सीरियस रिस्क हो, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस, मिसमैनेजमेंट बाय पब्लिक ऑफिशियल्स, ये सभी क्या हो सकते हैं, सीरियस रॉन्गडूइंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट, एन अथॉरिटी. वहाँ पे एक ऐसी अथॉरिटी भी होनी चाहिए जिससे विसल ब्लोअर्स ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले मिसकंडक्ट या अनएथिकल बिहेवियर को रिपोर्ट कर सकें. उस अथॉरिटी का इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट, सीनियर एंड रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल इश्यूज होना चाहिए. विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन के लिए विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी और उसके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि उसको सीक्रेट रखा जाता है, उसे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड की जानी ज़रूरी है. फोर्थ पॉइंट, अ पॉलिसी. विसल ब्लोइंग पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, अथॉरिटी स्पेसिफाइड होनी चाहिए और वो मैनर भी जिसमें रिपोर्ट किया जाएगा और उस इन्फॉर्मेशन के साथ किस तरह डील किया जाए, यह भी स्पेसिफाई होना चाहिए. यह पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए कि वो विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और उन्हें फ्यूचर में विसल ब्लो करने के लिए मोटिवेट करे. फिफ्थ पॉइंट, एक्शन. विसल ब्लोअर्स के द्वारा रिपोर्ट किए गए अनएथिकल एक्ट्स के बेसिस पे एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए. रिपोर्टिंग एम्प्लॉयज़ को इन्वेस्टिगेशन की आउटकम के बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए. विसल ब्लोअर्स को उनकी सेफ्टी के लिए गारंटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.